क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन धन की बढ़ोतरी हो, सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 दिवसीय त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार हैं शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते दीपावली अर्थात दिवाली की रात, इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस प्रकार से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आजा अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आप हमारे वीडियो को देखने आप हमारे विवश नहीं, आप हमारे दर्शक नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से में कोई भी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, मदद की जाए। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता, 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे, इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती मां लक्ष्मी और उसके बहन कुलक्ष्मी, अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित आपने धूप जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखें तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती, और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजें से घर में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दे या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं, दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है उसका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी है, इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दी, इस मां लक्ष्मी नाराज होती है।
तीसरा चीज इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली देखे जो रोशनी का त्योहार माना जाता। देखिए माँ लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा ना हो, तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, लेकिन अंधेरा स्थान मत रख दे देना, और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल, अच्छा खाना और पहनना, यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है। लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मक लाते हैं, माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो जूते चप्पल में देखें। व्यक्ति के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन, यह फिर धनतेरस के दिन, अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि से वास्तु दोष बढ़ता है, हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली की अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में अब आइए इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। एक साल तक माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे, पूरे धनतेरस आने तक माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे, आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं, इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते। यहाँ पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इसी के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते, ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दर्शन हिंदू धर्म को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो कचरे होता इसे राहु का प्रतीक माना जाता है, तो माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना माने हमारे एक, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा किया पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सकें? झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने कहा, साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके, अर्थात कहने का मतलब है
कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई, आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए धनतेरस, या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है, इसे आपकी घर में अंधन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के प्राण होते हैं, मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस प्रकार के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस प्रकार के प्राण बसे होते हैं जो श्री यंत्र है। यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में मां लक्ष्मी की प्राण बसते, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं, या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनके कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अनधन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, निरंतर इनके कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा, सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं, उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर प्रकार के सुखों को भोगने हैं, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर की बुजुर्गों का आदर अवश्य करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें, सदा मां लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगे और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती बिल्कुल। इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और आप पैर से झाड़ू को खूद रहे हैं, तो झाड़ू को नहीं बल्कि आप मां लक्ष्मी को खूद रहे, इसे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कहीं गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू, बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे आप शकुन माना जाता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार, झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारें, और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने, और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना, बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, देखे जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपकी जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस प्रकार कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसे सामग्री हैं
जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तु की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास माना जाता है। और जिसमें राहु का वास माना जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली शुभ मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। प्राचीन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु की होते थे, लेकिन समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा से गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का अब जो है विशेष ध्यान रखना, इस दिन काले रंग के कपड़े काली वस्तु को खरीदारी मत देखे जो दीपावली के दिन होता है। काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करना चाहिए। नहीं, काले रंग की कोई सामान है ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं इसे राहु के शक्ति आ जाते हैं, केतु की शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और यह सरे निज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, इन चीजों को लाने से बचना। काले कलर किस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, लेकिन लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र हैं, श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है ये महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के बाद अब लगा सके, जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय अवश्य करें।